हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम लोग लेसन में देखे थे, वीडियो में देखे थे कि इंडिया चाइना का हम लोग पार्ट वन में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखे थे इंडिया चाइना का, किस तरह से रिलेशन डेवलप हुआ था। उसके बाद में हम लोग कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ डिस्प्यूट्स को देखे, और आज जो हम लोग उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उसके आगे का डिस्प्यूट्स देखेंगे, जो कि मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंडिया चाइना रिलेशंस जो है, आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट पे आज हम लोग बात करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्यूट की बात करते हैं। दोस्तों, जो इंडिया चाइना का रिलेशन, अगर थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएँ, एक मतलब टाइम था जब 1991 USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में बस दो पोल थे, USA और USSR। फिर धीरे धीरे 1991 के बाद USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, और फिर वर्ल्ड में जो है सो USA का, हाँ, USA का जो वर्चस्व है स्थापित हो गया। अच्छा। और USA आज के डेट में कह लें कि ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड पुलिसमैन का काम करता है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वो अपना वर्चस्व दिखाते हुए जो है सो अपने मतलब निर्णय को थोपने की कोशिश करता है। लेकिन जब अब ट्रंप की शासन आई तो क्या हुआ कि USA थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक हो गया है, यानी वो अपने इंटरनल अफेयर को ज़्यादा तवज्जो देता है, और जो वर्ल्ड अफेयर है उसमें वो कम इंटरेस्ट ले रहा है। तो USA डिक्लाइन कर रहा है, और ये स्थिति चाइना भांप लिया, और इस वजह से वो चाहता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एमर्ज करें और वो USA को रिप्लेस करें। और इस कंडीशन में, इस केस में है क्या कि उसको हर एक जो कंट्री है उससे कॉम्पीट करना होगा, और उसमें उसका सबसे बड़ा जो कह लें राइवल, या सबसे बड़ा जो कह लें कि उसका जो कोल्ड वार कह लें, या डायरेक्ट कह लें, इनडायरेक्ट कह लें, वो उसका सबसे बड़ा जो राइवल है वो है इंडिया। और इस वजह से इंडिया से जो है सो डिस्प्यूट होने स्टार्ट हुए, और ये डिस्प्यूट जो है सो काफ़ी क्षेत्रों में है, जो 1962 से हम लोगों ने देखा कि चला आ रहा है, और ये फाइनली ये डोकलांग में ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ये रिसेंट हमारा इशू है, जिसमें कि डोकलांग बीपीएससी मेंस से क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले देखिए तो उसका वन बेल्ट वन रोड का हम लोग देखते हैं, उसके लेकर इंडिया का क्या डिस्प्यूट है। तो वन बेल्ट वन रोड है, अगर हम लोग उसको देखें तो उसमें हम लोग का जो मैरीटाइम जो सिल्क रूट है, तो मैरीटाइम सिल्क रूट होने की वजह से वो इंडियन ओशियन के जितने सारे जो कंट्रीज हैं उन सबके साथ वो अच्छा रिलेशन डेवलप कर रहा, और अच्छा रिलेशन डेवलप करने के चक्कर में जो हमारे जो फेवर के जो कंट्री थे वो अभी चाइना से मिल रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना से हमको अभी ज़्यादा फायदा है, तो चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंडिया को इस बात का खतरा है कि चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है, कहीं वो मेरे खिलाफ ही नहीं भड़का है, तो इस तरह से इंडिया जो पूरी तरह से घिर जाएगा चारों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया जो है चाइना से बोलता है कि वन बेल्ट वन रोड लेकर आप जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, इसको पारदर्शिता लाइए, क्योंकि इंडिया वन बेल्ट वन रोड से नहीं जुड़ रहा है, चाइना की तरफ से कई प्रपोजल आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना कई बार इंडिया को बोला है कि आप भी इससे जुड़ें, लेकिन इंडिया उससे नहीं जुड़ता है। तो मई टाइम सिल्क रूट का हम लोग सबसे पहला डिस्प्यूट यही देख ले, तो इसमें हमारा जितने भी इंडियन ओशन का कंट्रीज हो गए, जैसे कि हो गया, अगर हम लोग ऊपर से ही देखें तो म्यांमार हो गया, उसके बाद में नीचे हम लोग आएंगे तो इधर श्रीलंका हो गया, जो हम लोग बे ऑफ बंगाल की एरिया की बात करें, तो उसके बाद फिर हमारा म्यांमार हो गया, म्यांमार में तो सितवे हो गया, और सितवे तो खैर इंडिया का पोर्ट है, कोको जो आइलैंड है वहाँ पे चाइना अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। फिर श्रीलंका में जो आपका हनबनटोटा है वहाँ पे बना रहा है, यानी श्रीलंका म्यांमार होते हुए, हाँ, कोलंबो दोनों वहाँ से होते हुए वो सीधे अरेबियन सी में एंट्री करेगा, अरेबियन सी में आपका पोर्ट सुडान, मालदीव के साथ भी देख रहे हैं। हाँ, मालदीव के साथ अभी देखे हैं कि अभी रिसेंट एक न्यूज में सुने होंगे कि इंडिया चाइना जो है मालदीव में दो आइलैंड के बीच में एक पुल बनाया है, वो पूरा चाइना फंडिंग किया है, तो आप समझ सकते हैं चाइना वहाँ पर अपना बेस बना रहा है। तो मालदीव हमारे नज़दीक में है, श्रीलंका भी नज़दीक में। जो ये OBOR है, इसका जो बनाने का जो चाइना का पक्ष था कि भाई मेरे को ये जो मलक्का स्टेट, उसकी सारी जो जितने भी ट्रेड रूट थी वो मलक्का स्टेट होके जाती थी, और उसको, और मलक्का स्टेट ऐसा है जो एरिया है वहाँ पे USA की नेवल शिप जो है सो वहाँ पे रहती है, हाँ। ज़्यादा है, इसलिए चाइना को ये खतरा है, उसको ये शक है कि अगर वहाँ वो रूट अगर बंद हो गया तो हमारा ट्रेड कहाँ से होगा। इसलिए उसका जो ये थीसिस है, उसका जो कहना है कि उसके लिए जो है सो OBOR का प्रपोजल दे रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव रूट चाइना के लिए बनेगा, जो आपका इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इन सारी चीज़ों को होते हुए इसको वेस्टर्न कंट्री से और मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा। और इसके साथ साथ वो जो है सो एक लैंड रूट भी बना रहा है, जो कि ऑलमोस्ट जो चाइना का जो एक जिनजियांग प्रदेश है वहाँ से सीधे स्पेन की तरफ जाता है,
यानी इस तरह से एक जो है सो माला का निर्माण करा मतलब जाएगा, ऊपर से हमारा रोड बना देता है और जो मई टाइम वाला होगा मई टाइम से हमारा जो क्या कहते हैं मई टाइम सिल्क रूट बना, बिल्कुल। और ये चीज़ जो है सो इंडिया के लिए, इसका इंडिया चूंकि पूरी तरह से विरोध तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट वो विरोध कर रहा है कि भाई ये उसके लिए फायदे की बात नहीं है, क्योंकि एक तो है कि इनडायरेक्टली कह लें कि इसके थ्रू जो है सो वो चाइना जो है सो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जो कुछ जो OBOR के कुछ पार्ट हैं फॉर एग्जांपल CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो काराकोरम वाले एरिया से जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से होके वो जा रहा है, बाल्टिस्तान से होते हुए हमारा नीचे बलूचिस्तान तक जाता है। हाँ। और नीचे में ग्वाडर पोर्ट हो गया, तो ग्वाडर पोर्ट में ऊपर हमारा चाइना जो है अपना प्रोविंस को यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट से जोड़ रहा है। तो ये चीज़ इसका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया जो है सो इंडिया के क्षेत्र से होके जाती है, तो यहाँ पे अगर वो कोई अपना प्रपोजल या कोई अपना जो रूट बनाता है तो वो पूरी तरह से इंडिया की सॉवरेनिटी पे हमला एक तरह से हो गया, इसीलिए इंडिया को इस चीज़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसका विरोध कर रहा है, नहीं जा रहा है। और दूसरी बात की जो ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी देश शामिल हैं उसको क्या मिलेगा, किस तरह का उसका बंटवारा होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। बिल्कुल, बस दिखाया जाता है कि वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रेड होगा, तो ट्रेड में तो जान ही दें कि चाइना अपना माल बेचने के लिए ट्रेड करेगा, चाइना तो दूसरे का माल खरीद नहीं पाता है, चाइना के साथ अधिकांश जो है ना ट्रेड डिफिसिट होता है चाइना के साथ दूसरे कंट्रीज का। अमेरिका चाइना में जो कोल्ड वॉर चलता है ट्रेड को ही लेकर चलता है, क्योंकि चाइनीज जो बहुत सारा जो माल है ना वो डंप कर देता है अमेरिका में, अमेरिका इसका विरोध करता है, तो ये भी एक इशू बन जाता है। हाँ, और साथ ही साथ जो ये सारे मुद्दे हैं उसका से जो पर्यावरण का दृष्टिकोण तरीके से नहीं रखा गया कि ये बनाने से जो एनवायरनमेंट को कितना लॉस होगा, और साथ ही साथ जो इंडियन ओशन वाला जो एरिया है, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया का शुरू से मतलब वर्चस्व रहा, इवन इसका नाम भी भारत के नाम पर ही पड़ा, और इस क्षेत्र में जो है सो अगर चाइना अपना वर्चस्व दिखाएगा तो वो इंडिया के लिए एक तरह से कहें कि इनडायरेक्टली मतलब इंडिया चैलेंज हो गया, तो इस क्षेत्र में इंडिया बैकफुट में नहीं आ सकता, तो इस वजह से OBOR का पूरी तरह से इंडिया एक तरह से कह लें कि विरोध कर रहा है। तो ये एक पहला डिस्प्यूट का मेन पॉइंट हो गया। दूसरा डिस्प्यूट देखें तो दूसरा डिस्प्यूट हो गया हमारा जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है NSG। बिल्कुल, तो NSG में जो हमारा सियोल में साउथ कोरिया में जो मीटिंग हुआ था तो उसमें जो है चाइना अगेंस्ट वोट किया, चाइना का कहना था कि अगर इंडिया जाना चाह अगर इंडिया NSG में जाता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, पहली बात है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है क्या, उसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल का या फिर न्यूक्लियर चीज़ से जो रिलेटेड जो उन लोग का ट्रेड कर सकता है, आपस में शेयर कर सकता है टेक्नोलॉजी या फिर उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो चाइना का कहना है कि अगर इंडिया जाता है तो पाकिस्तान को भी जाना होगा। इंडिया चूँकि CTBT का हस्ताक्षर नहीं किया है, वो भी नहीं किया है, तो इंडिया जा सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता है, तो ये चाइना का दलील था। लेकिन इस बात को चाइना नहीं समझ पा रहा है कि इंडिया जो है इस बात पर पूरी तरह से अडिग है, ना तो कभी न्यूक्लियर वेपन लेकर किसी को धमकी दिया है, ना तो कभी बोला है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है, एक सॉफ्ट पावर, और इंडिया का अभी तक जो हिस्ट्री रहा उसमें यही देखा गया है कि इंडिया मतलब बेवजह किसी से कभी लड़ा नहीं, एक सॉफ्ट पावर की तरह डेवलप हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उसका उल्टा है, क्योंकि जब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है इंडिया में, जब भी कुछ होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता ही है, तो इस वजह से पाकिस्तान रिलायबल कंट्री नहीं रहा, इस वजह से इंडिया को प्रमोट किया जा रहा था NSG में, लेकिन इसका चाइना विरोध किया। बिल्कुल, ये हो गया दूसरा डिस्प्यूट। हाँ, इसमें साथ में ये भी है कि इसमें जो यूनाइटेड नेशन में भी जो है सो हमेशा इंडिया के खिलाफ ये चाइना वीटो लगाता रहता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में अगर देखेंगे तो मसूद अजहर को लेकर जो हुआ यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाया गया था मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित करने, मतलब इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को एक वैश्विक स्तर पे आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, इसके लिए जो है सो अध्यादेश लाने की बात UNSC में इंडिया ने करी, लेकिन उसको एक सिरे से वीटो के माध्यम से जो है सो चाइना ने खारिज कर दिया, तो ये भी एक मसूद अजहर वाला केस था, तो उसको खारिज कर दिया। फिर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चाहता है इंडिया को एक्सपेंड करे, इसमें चार कंट्री जो आते हैं जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, फ्रांस और रसिया नहीं तो वो सब तो है ही परमानेंट मेंबर, एक और जर्मनी है, तो ये सब जो है चाहते हैं कि इसका एक्सटेंशन हो और चार नए कंट्रीज को और भी इसमें जोड़ा जाए, लेकिन इसको विरोध कर रहे हैं। अब इसको विरोध करने में चाइना जो है जो कि यूनाइटेड नेशन का इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो वीटो लगा ले रहा है कि नहीं इसको एक्सपेंड करना जरूरी नहीं है, तो इस तरह से इंडिया जो अपना कॉन्सेंसस बनाते हैं वहाँ पे भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। हाँ, UNSC में चाइना विरोध कर रहा है, और बीच में तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर वो विरोध ना कर पाए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि UNSC में रिफॉर्म कुछ इस तरह से आए
कि उससे बाकी जो कंट्रीज है जिसमें कि इंडिया भी है, अगर वो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बन भी जाते हैं तो उसको फ़ायदा ना मिले। कहने का मतलब है कि आप मेंबर बन जाते हो लेकिन आपको वीटो का पावर नहीं दिया जाएगा, या कुछ ऐसे पावर जो पहले मेंबर बने हुए हैं, पहले जो पांच कंट्रीज बने हुए हैं उनके तुलना में नहीं, हाँ उनके तुलना में बहुत मतलब कम रहे। तो वैसे भी अगर इस तरह की बातें होती है तो इंडिया को यूएनएससी के मेंबर अगर वो बन भी जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये एक मुद्दा है। तो ये सारे डिस्प्यूट हैं। अगर डोकलाम की बात भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो डोकलाम देखिए, डोकलाम रिसेंट घटना है। रिसेंट घटना में देखें तो डोकलाम में, चूँकि बीपीएससी मेंस क्वेश्चन पूछ भी चुका है डोकलाम से रिलेटेड, तो डोकलाम इशू में हमारा क्या था, डोकलाम एक प्लेटो एरिया है, पठारी एरिया है, जो कि एक कहा जाए तो ट्राई जंक्शन पे है, भूटान इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। वहाँ पे बिना किसी परमिशन लिए वहाँ पे अचानक से रोड नेटवर्क वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, और रोड नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया तो इंडिया को यहाँ पर थोड़ा लगने लगा कि अगर वहाँ पर बना रहा है मतलब वहाँ तक उसका मिलिट्री पहुँच जाएगा, तो इंडिया के लिए जो हमारा चिकन है कि आप ही कहा जाए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो डर हमेशा इसी बात का रहता है इंडिया के, अगर उस पर कब्जा कर लिया, चिकन के नेक पर कब्जा कर लिया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ना पूरी तरह से कट जाएगा, और चाइना पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट को अपने कंट्रोल में करने का हमेशा कोशिश किया, खासकर अरुणाचल प्रदेश के एरिया को। तो इस वजह से इंडिया जो है वहाँ पे इसका विरोध किया, फिर कुछ इशू होकर दोनों मिलिट्री के बीच में कुछ फायरिंग होती होती धीरे धीरे मामला जो है बढ़ गया। उसके बाद में उन लोग जो है अपना मिलिट्री बेस भेज दिया, तो इंडिया भी रिटेलिएशन में इंडिया भी अपना मिलिट्री बेस भेज दिया, दोनों जो है स्टैंड अप हो गए, मतलब एक तनातनी स्थिति आ गया दोनों में। अब दोनों में लेकिन कोई युद्ध करना नहीं चाहता था, दोनों की प्रॉब्लम थी। इंडिया चाहता था, इंडिया तो पहले युद्ध करना नहीं चाहता है, चाइना चाहता था कि अगर इंडिया पर अटैक करते हैं तो वन बेल्ट वन रोड बहुत सारे देशों में उसका जो मिशन प्रोजेक्ट है उसका सब तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का असली चाइना का असली चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर ये हमारे यहाँ रोड जा रहा है तो अगर इंडिया के यहाँ रोड बना के इंडिया पर अटैक कर सकता है, तो जब हमारे यहाँ रोड जा रहा है तो हमारे यहाँ अटैक कर लेगा, तो चाइना इस बात से बहुत डर गया था। दूसरी बात है कि इंडिया के पास भी मिलिट्री पावर है ही, उसके साथ साथ हम लोग न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं, उसके साथ साथ एयरफोर्स भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। तो न्यूक्लियर वेपन ऐसा चीज़ है कि वो हम पे अटैक करता है ठीक है हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है, कभी भी हमला बन कहते ना कि कभी भी लड़ाई में पहले डिफेंस किया जाता है कि पहले हम बचेंगे तभी तो लड़ेंगे, तो पहले सेफगार्ड चाहता है, लेकिन चाइना को यहाँ पर लग रहा था कि अगर वो अटैक करता है तो वो भी फंस जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात है कि वर्ल्ड ट्रेड उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का साथ उसका बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड चलता है, उसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग मैसेज जाएगा। तो ये सब सोच के जो है चाइना तनातनी पर रहा है, और चाइना दरअसल यही चाहता था ना कि इंडिया को हम बताएं कि हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके रिटेलिएशन में इंडिया भी दिखला दिया कि हम भी तुमसे कम नहीं है। चाइना का स्टेटमेंट आया था कि हम 1962 वाला चाइना नहीं है। हाँ, उस टाइम का जो चाइना हमारी पावर्स थोड़ी कम थी, इस वजह से हम लोग थोड़े से बैकफुट पे आ गए, लेकिन अभी का समय थोड़ा सा अलग है। और इंडिया जो ये डोकलांग में अपना जो एक मजबूत जो स्टैंड दिखाया, स्टैंड अप जो वहाँ पे हुआ था, इसका एक कारण ये भी था कि एक तो डोकलांग सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया को प्रॉब्लम है, ये तो चीज़ है, क्योंकि इसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट में इंक्रोचमेंट किया जा सकता है, और अरुणाचल तो पता ही आपको कि भी अरुणाचल में ऑलरेडी अरुणाचल को लेकर किस तरह का टेंशन चल रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक है कि जो डोकलांग वाले एरिया में भूटान को सबसे, चूँकि ये डोकलांग वैली वाला क्षेत्र भूटान के क्षेत्र में आता है, और भूटान के साथ जो हमारी 1949 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भूटान का जो विदेश नीति है, हाँ। विदेश नीति है उसका निर्धारण जो है, उसका जो निर्धारण है वो भारत करेगा, और उस चीज़ पे जो है सो हमेशा वो भूटान का पक्ष लेगा। इस कारण से भी जो है सो इंडिया डोकलांग में अपना स्टैंड दिखाया। साथ ही साथ जो चाइना की बात करी जाए तो करीब 2012 के लगभग में चाइना के साथ इंडिया की भी ट्रीटी हुई कि दोनों अपने बॉर्डर में यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी कोई भी बॉर्डर को इंक्रोचमेंट यानी आगे जो है सो नहीं बढ़ेंगे, तो इस चीज़ का भी वायलेशन चाइना किया। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से जो है सो इंडिया ने चाइना का मतलब डोकलांग में कम्प्लीटली कह लें कि एकदम फेस टू फेस जो है सो स्टैंड ऑफ करा। देखिए 1960 में जो हुआ था, जो कि चाइना का स्टेटमेंट आया कि हम 1962 का चाइना नहीं है जो इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया भी बोला कि हम भी 1962 का इंडिया नहीं है, इंडिया अब तक बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो अगर आप हमला करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुल मिला के दोनों तरफ से तनातनी, और ये लड़ाई का सिचुएशन था ही नहीं, ये दरअसल दोनों उस सामने वाला डराने की कोशिश कर रहा था और हम लोग नहीं डरे, वर्चस्व का सुपरमेसी का। चाइना किसी हालत में इंडिया पर अटैक नहीं कर सकता था, बस वो दिमाग में यही था कि इंडिया को इस तरह से हम मतलब एक डराएं, लेकिन इंडिया भी काफ़ी अब स्ट्रांग इकोनॉमी है, काफ़ी स्ट्रांग, इसके भी अच्छे रिलेशंस रहे अच्छे अच्छे कंट्रीज के साथ, और बहुत उसमें जापान इंडिया का बहुत ज़्यादा साथ दिया था।
तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो इंडिया भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये हो गया डोकलाम इशू। डोकलाम इशू में बहुत कुछ इंडिया सीखा भी। बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा था कि डोकलाम इशू से इंडिया क्या सीखा, तो इंडिया मतलब उसके बाद में स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकली में किस प्रकार चेंज लाया, यही क्वेश्चन था। बिल्कुल तो वही इसमें बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश उस एरिया में है, इंडिया जो है डेवलपिंग काम काफ़ी तेजी कर दिया कि अगर हमको जरूरत पड़ा तो हम इंस्टेंट मिलिट्री उस एरिया में भेज सकते हैं। क्या कहते हैं उसको जो हेलीपैड होता है उसको बनाया गया कि हाँ कि हम लोग जो वीपन्स के रूप में हम लोग उस एरिया में, फिर ब्रह्मोस मिसाइल को भी उसको क्या कि डिप्लॉय कर दिया गया कि अगर कुछ वैसा सिचुएशन होता है तो। लेकिन वैसा कभी होने वाला नहीं क्योंकि चाइना भी इंडिया से बहुत डरता है वहाँ की वार लाइक सिचुएशन में। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक जो महत्वपूर्ण जो विवाद का पॉइंट आता है वो आता है साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी। देखिए दोस्तों, जो साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी है वहाँ पे चाइना जो अपना एक आर्टिफिशियल जो है आइलैंड क्रिएट कर रहा है, जो 9-line जिसको कहा जाता है वो चाइना कहता है 9-line चाइना का, चाइना के द्वारा डिसाइड किया हुआ अपना एक बाउंड्री, अपना बाउंड्री इतना तक मेरा क्षेत्र है। तो ये जो ये एरिया है साउथ चाइना सी, स्पेशली कह लें कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है और साथ ही साथ वो काफ़ी अच्छा फिशिंग बैंक भी है, यानी एक तरह से कह लें कि खनिज हो गया, जितने भी खनिज मतलब इम्पोर्टेंट खनिज हैं उसका एक्सकैवेशन वहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ों के बदौलत, लेकिन ये जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं हम लोग, वो वियतनाम के दायरे में आता है और 2 द्वीप इसमें हैं, स्पेशली ये कहते हैं पार्सले और एक स्पार्टले और एक पार्सल, स्पार्टले और पार्सल आइलैंड हो गया और एक स्कारबोरो आइलैंड हो गया जो फिलीपींस के पास है। स्कारबोरो मैप में दिखा देंगे इसमें, हाँ मैप में एक बार इसको देख लिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के वजह से जो है सो थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ पड़ा है और इसमें भी इंडिया, स्पेशली जो इंडिया जो है सो इस मुद्दे पे भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया है इस साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को लेके, क्योंकि जो ये सी वाला एरिया है, चूँकि इंडियन ओशन का तो मुद्दा चल ही रहा है, साथ ही साथ इंडिया का जो एक पॉलिसी है वो है इंडिया हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे यकीन करता है, और वो अगर प्रॉब्लम में आएगी तो इंडिया उस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि वो साउथ चाइना सी नॉर्थ चाइना सी इंडिया से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पे वियतनाम को परेशान किया जा रहा है या फिलीपींस को परेशान किया जा रहा है, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया है फिर भी कोई रिजल्टेंट निकल के नहीं आया, तो ये भी विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साउथ चाइना सी में जो इंडिया है, इंडोनेशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह किया, इंडोनेशिया के साथ अपना जो है वहाँ पे ट्रेन कर रहा है लोगों का, तो इंडिया भी चाहता है कि जो उस एरिया में जो इंडोनेशिया हो गए और खास कर इधर वियतनाम हो गया, तो ऐसे कंट्रीज़ के साथ इंडिया डेवलप करना चाहता है रिलेशन। इधर जापान हो गया, जापान के साथ भी उधर जो चल रहा है जापान सी वाला जो इशू चल रहा है, और इसके साथ में हमारा इधर जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सारे कंट्रीज़ के बीच में इंडिया जो है वो चाहता है कि अच्छा रिलेशन करें और चाइना को काउंटर करने की कोशिश, यानी चाइना का जो वर्चस्व है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इंडियन ओशन में तो देख ही रहे हैं जिस तरह से अपना पैर फैला रहा है, उधर करेंगे तो उधर से हमारा सपोर्ट मिल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, और फिर एक हो गया हमारा एक अमेरिका भी है और फिर इंडिया, तो एक क्वाड ग्रुप एक तरह से बनाया है। हाँ, ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये कह लें कि इनफॉर्मल अलायंस है, अमेरिका को ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इनफॉर्मल अलायंस है, लेकिन ये क्यों बनाया गया, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, कि चाइना का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से हर मामले में इंटरफेयर कर रहा है, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वियतनाम हो गया या फिर जो इंडोनेशिया फिलीपींस ये सब एरिया पे वो जबरदस्ती एकाधिकार करने की कोशिश कर रहा है, और 9-line का हवाला दे रहा है कि 9-line जो है ये मेरा बाउंड्री है, और 9-line के लिए प्रूफ दे रहा है क्या कि 2000 साल पहले कभी ये मेरा पार्ट रहा था उस आधार पे। तो हालांकि अनक्लोज जो कहा जाए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ शी, बिल्कुल इसको भी जो इसमें जो रूल है इसको भी चाइना जो है फॉलो नहीं कर रहा है, फिर इंटरनेशनल जो जस्टिस है इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो वहाँ उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो चाइना एक तरह से कहा जाए तो उसके जितने भी बॉर्डर नेशंस है किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, सबके साथ उसका डिस्प्यूट। तो इंडिया चाइना में अगर हम अगला डिस्प्यूट देखें तो अगला डिस्प्यूट में आ जाता है ट्रेड। हमारा ट्रेड डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा है चाइना के साथ, चाइना से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाते। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर डेवलप करना है तो स्वाभाविक है उसको एक्सपोर्ट करना, अपना माल को बेचना होगा, जब तक हम अपना माल बेचेंगे नहीं तब तक हमारे पास प्रॉफिट आएगा नहीं, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएंगे नहीं, तो अपना माल को बेचना जरूरी है। अपना माल को बेचने के लिए इसी का आधार पर हम लोग कहते हैं GDP जो आता है, तो GDP मतलब हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको बढ़ाना होगा ताकि हम लोग बाहर में इसको बेच सकें, और बाहर में जब बेचेंगे तो हमारा स्वाभाविक है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के फॉरेन करेंसी आएगी। और जो ट्रेड का जो कह लें रेशियो इंडिया और चाइना के बीच है लगभग $100 billion का है, और $100 billion में ऑलमोस्ट $25-30 billion ही इंडिया जो है सो निर्यात यानी कह लें कि एक्सपोर्ट कर पाता है, बाकी उसको इम्पोर्ट करना रहता है। तो ये सारी चीज़ इस वजह से कह लें कि पूरी तरह से ट्रेड डिफिसिट में
इंडिया चल रहा है, साथ ही साथ चाइना जो है सो जो अपने सस्ते माल हैं उसको जो है सो इंडिया में डंप करता है। हालांकि इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाया है लेकिन इसे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। और नहीं, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा नहीं ना लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड को रेगुलेट किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारा लगातार नुकसान होता है ट्रेड के मामले में। एक तो है कि चाइना बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, इंडिया से लगभग चार गुना पाँच गुना, इंडिया से ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बड़ा है। तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसके तुलना में इंडिया जो है कुछ मामले में कमज़ोर पड़ जाता है इकोनॉमिक के मामले में। और इसी का वजह है कि वहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ सस्ते में आ जाता है, और हम लोग अपने प्रोडक्ट खरीदने के बजाय सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस वजह से चाइना का मुनाफा होता है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग चाइना को ही पैसा दे रहे हैं और पैसा हमारे इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि भाई चाइनीज़ माल का बायकॉट करो, बहिष्कार करो, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए। लेकिन अगर हम बायकॉट भी करते हैं चाइनीज़ माल को, तो इससे चाइना को, अगर हम सोचेंगे कि चाइना को हम कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि हमारा चाइना के साथ बिल्कुल ट्रेड बहुत ही कम है, $100 बिलियन का, उसमें भी चाइना हमेशा सरप्लस में है, और चाइना का इंडिया के साथ जितना ट्रेड है उससे कहीं ज़्यादा बाकी सारी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन हो गया या यूएसए हो गया, इसके साथ है। तो इस क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा उसका जो है सो कुछ मतलब कर नहीं सकते, चाइना को जो है सो व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा उसको हम प्रॉब्लम दे नहीं सकते या उसके लिए जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। वो चाइना को ट्रेड में कभी भी हमारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मतलब जैसे कुछ ट्रेड को लेकर जैसे कुछ हम लोग करते हैं चाइनीज़ सामान का विरोध करते हैं, हाँ विरोध करना चाहिए, ठीक है, हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो नेशनलिज्म होना चाहिए, एक राष्ट्रवाद तो होना ही चाहिए कि अपने देश से प्यार करें, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप क्या कहते हैं, उसी ब्राउजर इंस्टॉल करके या फिर जो चाइनीज़ लाइट को बंद करके चाइना को आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाइना को अगर कुछ करना है तो उसको रोकने के बजाय हमको अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही बढ़ाना होगा, खुद को अपग्रेड करना होगा, हमारा अपना पावर डेवलप करना होगा। उसके पावर को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, अपने पावर को डेवलप करेंगे तो फिर चाइना भी इस बात को समझेगा, फिर हमारा भी फायदा होगा। जब सामने वाला का भी फायदा हमारा भी फायदा है तो फिर क्या दिक्कत है। चाइना के साथ देखिए इंडिया काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप भी बनाया, और साथ ही साथ अगर थोड़े से स्ट्रेटजी की बात करें तो चाइना इंडिया जो है सो हमेशा वेस्टर्न कंट्री पे रिलाई करता है, अमेरिका पे रिलाई करता है, रशिया चूंकि वेल टेस्टेड फ्रेंड था। हाँ, अभी के समय देखा जाए तो इंडिया जो है अमेरिका से बहुत नज़दीक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया अमेरिका के साथ बहुत सारे जो है अग्रीमेंट पे साइन किया है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो गया है, अमेरिका से बहुत सारा चीज़ जो है इंडिया खरीद रहा है। अमेरिका के यहाँ पर सिर्फ फायदा, इंडिया को फायदा बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया को यही फायदा है कि अमेरिका से अच्छा रिलेशन है और अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका जो है अपना सामान इंडिया में बेच रहा है, हम लोग जो भी आर्म्स खरीद रहे हैं चाहे जो भी सामान खरीद रहे हैं उससे अमेरिका को फायदा हो रहा है, उसको पैसा आ रहा है। तो लेकिन उसी चक्कर में अब चूंकि अमेरिका से इंडिया का रिलेशन सुधर रहा है तो रशिया अमेरिका में टेंशन चलता है, अब रशिया हमसे दूर जा रहा है। अब रशिया जो हमसे दूर जाने का मतलब क्या, हमारा जो क्या कहते हैं एनिमी एलाई है उसके साथ मिल रहा है, चाइना और पाकिस्तान से मिल रहा है जो कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड या वेल टेस्टेड फ्रेंड कहा जाए, तो रशिया रहा है। आपको ध्यान में होगा कि 1971 में जब इंडिया का जब पूर्वी पाकिस्तान के लिए आवाज़ चल रहा था, इसमें बांग्लादेश सेपरेट हुआ था, उस समय जो है चाइना पाकिस्तान अमेरिका सब उसमें साथ में था और यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाया था और उसमें बताया गया था कि इंडिया इसका मेन दोषी है, इंडिया को अपना सेना पीछे करना चाहिए, क्या क्या आया था। उसमें रशिया ही था जो कि वीटो लगाया था और उसमें कोई हेल्प नहीं किया था, बल्कि अमेरिका जो है वो अपना नेवी को भेज दिया था कि इंडिया को काउंटर कर सके, लेकिन उसी समय जो है रशिया जो है सीधे वीटो लगा दिया, बस सारा अग्रीमेंट को रद्द हो गया और फिर वहाँ से फिर सारा जो अपना उसको लेके भागना पड़ा, मतलब अमेरिका जो अपना नेवी को वापस ले गया। ऐसा है, इसके एक दहिंदू में एक आर्टिकल आया था, उसी का आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यूएसए पे कभी भी यकीन परमानेंटली नहीं किया जा सकता है। यूएसए जिस तरह से जापान का, यूएसए हमारा एलआई पार्टनर नहीं है, वो जापान का जिस तरह से एलआई पार्टनर है, जापान के साथ उसके जितने अच्छे संबंध हैं उस तरह से हमारा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि अपने एशिया वाले क्षेत्र में सीमित रहें, अपने बाउंड्रीज कंट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी हो गई, बाकी इसमें देख लेते हैं इंडिया चाइना के डिस्प्यूट तो काफ़ी हो गए, डिस्प्यूट भी हम लोगों ने देख लिया, कंसेंसस भी हम लोगों ने देख लिया। नहीं, अभी हम लोग कंसेंसस ही बात करेंगे, ठीक है, कुछ और आगे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग इसमें सहमति, जैसे इंडिया और चाइना में सहमति कहाँ पे कौन से मुद्दे पे हम लोग साथ हैं। सबसे पहला देखें कि देखिए अगर डोकलाम इशू देखे होंगे तो डोकलाम में जो वायलेंट सिचुएशन हो गया था अचानक से शांत कैसे हो गया, चाइना क्यों वापस भाग गया, अपनी मर्जी से आया था अपनी मर्जी चला गया। तो उसका मेन वजह था कि उसके जस्ट 15-20 दिन बाद हमारा ब्रिक्स का मीटिंग था, ब्रिक्स में इंडिया बहुत ही पावरफुल नेशन के रूप में आता है, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना भी है तो ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना सब जो है और साउथ अफ्रीका है,
तो उसमें जो है इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, तो उसको लग रहा था कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, इंडिया इसका विरोध नहीं करे, तो ब्रिक्स के कारण उसका जो फंडिंग होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक AIIB वहाँ से उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट को रुक सकता था। तो वो अमेरिका जो है चाइना जो है इंडिया से फट से अपने मिलिट्री हटा लिया, पता ही नहीं चला कि कौन किस पर अटैक कर रहा था। इंडिया बोलता है कि चाइना पहले हटाया, चाइना बोलता है इंडिया पहले हटाया, तो जो भी हो गया चलो हटा तो कम से कम। सेम वे जैसे 1962 का हुआ था, चाइना पीछे हटा था, क्योंकि उस टाइम हुआ था कि जो USA है अपनी जो मिलिट्री बेस है वो दियो गार्सिया जो द्वीप है वहाँ पे जो है सो अपने सारे बेस को सेना को उतार दिया। इस वजह से चाइना को डर लगा कि भाई फिर आगे मिलिट्री मामला और बढ़ जाएगा, मामला आगे बढ़ सकता है और USA हमको अप्रोच करके हमारे ऊपर भी हमला कर सकती है, इसीलिए भी उस टाइम वो 1962 के बारे में चाइना पीछे हटा था। तो ये हो गया। उसके अलावा देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है, SCO का जो मेंबर है उसमें पहले 6 मेंबर थे, शंघाई 6 था, शंघाई 5 से शंघाई 6 हुआ, बाद में दो नेशन जुड़ गए इंडिया और पाकिस्तान। अब ये शंघाई है क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस लिए है, ये टेररिस्ट से मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी जो होता है खासकर जो हमारा कौन सा मिडिल ईस्ट कंट्री हाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया, तो वहाँ पे जिस तरह से टेररिस्ट का मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था वहाँ पे, ज़्यादा मतलब बेरोजगारी था और इस वजह से वहाँ पे आतंकवाद काफ़ी तेज़ी से पनप रहा, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना जो इनिशिएट लिया था और सभी देशों को मिलाया, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गया, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चाइना के बीच में वहाँ पे एक रेगुलर मीटिंग होना शुरू हो गया है, तो हम लोग SCO में भी साथ हैं। इसके अलावा एक है BCIM है, BCIM कह लें, बांग्लादेश चाइना इंडिया और म्यांमार, ये कॉरिडोर बन रहा है, उसमें भी इंडिया जो है सो चाइना के साथ है। साथ ही साथ जितने भी कभी कभी कह लें कि आतंकवाद के मुद्दे उठते हैं या इन्वायरमेंट के मुद्दे उठते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो इसमें हमेशा इंडिया चाइना का दोनों का एक कह लें हम लोग देखें तो हम लोग का कल्चरल बाउंड है, बहुत सारा संस्कृति जो हम लोग मैच करता है, तो कल्चरल के रूप में हम लोग काफ़ी अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोनों इमर्जिंग इकोनॉमी है, दोनों डेवलपिंग नेशंस हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब मीटिंग हुआ था जो भी ब्यूनस आयर्स में हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया चाइना एक साथ हो गया, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया चाइना बहुत सारे उसके मुद्दे पे इंडिया चाइना साथ हो जाता है, क्योंकि दोनों का ट्रेड का काफ़ी नुकसान होता है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से इंडिया जो है और चाइना यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर सहमत हैं। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा बॉर्डर नेशन है, तो डिस्प्यूट तो होते हैं नो डाउट, लेकिन हमारा रिलेशन अच्छा डेवलप करना भी हमारे जरूरी, क्योंकि सबसे अच्छा रिलेशन बॉर्डर नेशन के बीच में डेवलप किया जा सकता है अगर कुछ डिस्प्यूट्स को अगर हम लोग हटा दें तो ये सारे जो है कुछ मुद्दे पे हम लोग का कंसेंसस भी है। ये सारे तो खैर कंसेंसस के मुद्दे हो गए, हमने डिस्प्यूट भी कर लिया, अब इसमें बात आती है कि जो अगर इंडिया और चाइना के बीच इंडिया का क्या स्ट्रेटजी क्या हो सकता है और एक पॉसिबल रोड मैप क्या हो सकता है इंडिया को इस क्षेत्र में, इस एरिया में क्या करना चाहिए, इसमें अगर हम लोग कुछ थोड़ा सा सोचें तो ये देख सकते हैं कि देखिए चाइना तो चूँकि हर एक क्षेत्र में उसकी इकॉनमी हमसे लगभग 5 गुनी ज़्यादा है, उसका एयरफोर्स हमारे से 3 गुना ज़्यादा है, सारी चीज़ें मतलब सारे क्षेत्र में इंडिया का चाइना हमसे थोड़ा सा डोमिनेंट है, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो अप्रोच चूँकि फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, विदेश नीति में 3 चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, सबसे पहले तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट वो कभी खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, तो इस क्षेत्र में हमें चाइना को लेकर कह लें कि एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, जहां बात नेशनल इंटरेस्ट की आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल बाकी हम उससे हमेशा सहयोग की भावना रखेंगे, हमें हमेशा जो कह लें कि कोऑपरेशन की भावना रखेंगे, लेकिन अगर हमारे बॉर्डर के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा, हमारे सोवरेनिटी पे खतरा होगा, तो हम इसका ज़रूर से ज़रूर काउंटर करेंगे, इस चीज़ पे जो है सो हम लोग रिटेलिएशन अपना ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ ये कह लें कि एक टर्म आता है ग्रेट गेम ईस्ट, हम लोग वेस्टर्न कंट्री पे रिलाई करते हैं हमेशा ज़्यादातर, और जो ग्रेट गेम ईस्ट है कि अभी एशियन सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं और एशियन सेंचुरी में जो है मुख्य अर्थव्यवस्था कह लें वो इंडिया और चाइना ही है, इसीलिए चाइना से तो खैर कह लें कि जहाँ तक हो सके हम लोगों को कहते हैं कि जो डिस्प्यूट ना ही बनाए तो अच्छा है, जहाँ तक सहयोग की भावना है, सहयोग की भावना कहाँ कहाँ पर आ सकती है या सहयोग के क्षेत्र कहाँ पर आ सकती है, आतंकवाद जैसे क्षेत्र हैं या पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम लोग अपना एक कह लें कि सॉफ्ट पावर भी बढ़ाएँ ताकि अपना इन्फ्लुएंस जो है सो उस क्षेत्र में करें। और इसके अलावा अगर कह लें कि चाइना के साथ अगर हम फर्दर अपना रिलेशन अगर सही करना चाहते हैं तो सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमारे इकोनॉमी को भी
इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, साथ ही साथ अपना मिलिट्री पावर भी मजबूत करना होगा। यानी अपने आप को कह लें कि भारत अपने आप को हर एक क्षेत्र में मजबूत करे ताकि वो चाइना के पैरेलल पहुंच सके, और एक बार वो चाइना के पैरेलल पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी सारी कंट्रीज का भी ध्यान इंडिया की तरफ होगा और इस क्षेत्र में कोई फिर हमें आगे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो अभी जो है हम लोग को ध्यान देना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है। हम लोग जो दुश्मन को हम लोग देख चुके हैं, हमारा जो हम लोग अपना जो इनिमी कंट्री बेसिकली पाकिस्तान चाइना को मानते हैं, दुश्मन कंट्री कोई नहीं है वैसे अगर माने तो। हम लोग अगर स्ट्रांग बनते हैं तो सामने वाला हम पे हमला करेगा। हमारे यहाँ की यूनिटी है, हमारे अगर सारे मजहब धर्म सब लोग मिलकर रहते हैं तो सामने वाला हम पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हर मामले में स्ट्रांग है। पॉपुलेशन हमारे पास अच्छा खासा है, हमारे पास मिलिट्री बेस अच्छा है, एयरफोर्स अच्छा है, न्यूक्लियर वेपन्स है, अच्छे टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम लोग किसी से कम नहीं है, किसी को हम पे अटैक करने का हिम्मत नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो बात है कि हम लोग अपना जो है एक साथ मिलके पूरा इंडिया यूनाइट होके अपना सॉफ्ट पावर को डेवलप करें, जैसे कि अमित शाह ने बताया कि हमारे ऐसा हम लोग इन्फ्लुएंस बनाए कि पूरा वर्ल्ड का ध्यान हमारे तक आकर्षित हो, बड़े बड़े कंपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आके करें कि नहीं इंडिया में सुरक्षित है। इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आने की वजह से क्या होगा कि हमारा मतलब जो है वर्ल्ड में एक अलग एक इम्प्रेशन बनेगा, इमेज बनेगा। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सारे निवेश के लिए आकर्षित होंगी, फिर हमारा कल्चरल जैसे फॉर एग्जांपल ले लें अफगानिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ये एक तरह से हमारा सॉफ्ट पावर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कि अफगानिस्तान फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है, अफगानिस्तान पे मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे दुबई वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ भी देख रहे हैं कि इंडियन जो है कल्चर वहाँ पर आ रहा है, योग जो है पूरा इंडिया में कल्चर फैलाया योगा। तो इस तरह से है मतलब अपना इंडिया अगर अपने ऊपर कंसंट्रेट करे डेवलप करे तो बहुत अच्छा एक सुपर पावर इंडिया भी बन सकता है। और खासकर जिस तरह से इंडियन ओशन से अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया है आयोरा से, तो अब इंडियन ओशन में इंडिया और चाइना थी, ये दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो छोटे छोटे जो कंट्रीज है कोई इस एरिया में आएगा नहीं और कोई किसी पे कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसमें इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, चाइना को भी, ये दोनों मिलकर इंडियन ओशन को संभाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ तो ये सारे हो गए इंडिया और चाइना से हम लोग बहुत सारे मुद्दे पे हम लोग बात कर लिए, और जितना भी हो सकता था इसके पहलू, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग बात किए हैं, कुछ थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे इंडिया चाइना का मुद्दा आ जाता है तो। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि नेशनलिज्म सबसे पहले है, राष्ट्रवाद हमारे पास होना चाहिए। राष्ट्रवाद का डिफिनेशन लोग अलग अलग देते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन हमें देश के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, और अगर हमारे देश के प्रति प्रेम है तो फिर हमारा कोई भी दुश्मन एलाई कंट्री हमको कुछ नहीं मिला सकता। कुल मिला के कह लें कि जब जिस तरह से हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जो रिलीजन हैं वो सारे लोग मिल के रहते हैं, और ऐसा बहुत कम कंट्रीज़ में है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी इंडिया में फूट डला है तो बाहर के लोग राज किए हैं। अभी देखा जाए तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी का जो हालत है वो बहुत ही सुंदर माना जाता है, बोला जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट डेमोक्रेसी में गिना, सबसे वर्ल्ड का बड़ा डेमोक्रेसी में जाना जाता है। बहुत सारे कंट्रीज हो गए जो कि इंडिया से डेमोक्रेसी सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों में भी, अब नेपाल हो गया, बांग्लादेश, इधर भी बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है, यहाँ तक पाकिस्तान भी जो है बहुत हद तक डेमोक्रेटिक होते जा रहा है। हालांकि वहाँ पे मिलिट्री का ज़्यादा पावरफुल होता है, मिलिट्री ऑपरेट करती है, लेकिन देख रहे हैं कि धीरे धीरे चेंजिंग आ रहा है। तो इंडिया जो है डेमोक्रेसी में एक वर्ल्ड में एक अच्छा सॉफ्ट पावर डेवलप किया है, कल्चर में अच्छा डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सैटेलाइट हमारे यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया जो है अपना सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है, और आने वाले दिनों में इंडिया एक सुपर पावर बनेगा नो डाउट, और बस हम लोग सबको साथ रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये था हमारा इंडिया चाइना से रिलेटेड, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात किए हैं, आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अगली बार मिलते हैं कुछ और नए इशू पे। Thank you. Okay, bye-bye. Thank you.